ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोट के। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, ये अप्रैल महीने का भी पहला प्रदोष व्रत होगा और इस बार का प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे हम शनि प्रदोष व्रत के नाम से जानेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे धर्म में हर मास में प्रदोष व्रत दो पड़ते हैं। ऐसा बताया जाता है कि आज के दिन बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं, सभी मुरादें पूरी करते हैं। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि आज के दिन विधिवत भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और शिव जी अपने साधकों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है प्रदोष व्रत। तो त्रयोदशी की तिथि में प्रदोष व्रत पड़ता है। हर मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन विधि विधान से शिव पार्वती पूजन किया जाता है। दोस्तों, सुख सौभाग्य की कामना हो, नौकरी व्यवसाय में उन्नति तरक्की की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, रोग दोषों से मुक्ति की कामना हो, ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना हो, किसी प्रकार की कामनाओं के लिए आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। अब वार विशेष के मुताबिक जो प्रदोष व्रत पड़ते हैं उनमें विशेष कामनाओं के लिए भी आप भगवान शिव को पूजन कर आज के दिन विशेष तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, अप्रैल महीने का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल को पड़ेगा और ये शनिवार का दिन है। जैसा मैंने बताया तो ये शनि प्रदोष है, तो आज के दिन जब हम विधि विधान से पूजन करेंगे भगवान भोलेनाथ का ना, तो इससे भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे ही, शनि देव की अगर आज हम पूजा करेंगे तो शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा इस बार, पूजन विधि क्या होगी, सामग्री की सूची क्या होगी, आज के दिन किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए और क्या वो उपाय हैं जो आज शनि प्रदोष व्रत के दिन हमें जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि प्रदोष व्रत का जो 6 अप्रैल को पड़ रहा है शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर, जो कि अगले दिन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 7 अप्रैल को तो उदया तिथि में त्रयोदशी मिल रही है, लेकिन त्रयोदशी के व्रत में यानी कि प्रदोष के व्रत में जिस भी दिन प्रदोष काल हमें प्राप्त होता है तिथि में, उसी दिन हम प्रदोष व्रत करते हैं। तो 6 अप्रैल को ही हमें प्रदोष काल मतलब कि जो व्रत पूजन का समय है, शुभ मुहूर्त है, वो मिलेगा, इसीलिए 6 अप्रैल को प्रदोष व्रत रखा जाएगा शनिवार के दिन। अब इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा मतलब प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त होगा वो आप नोट कर लीजिए, वो समय है शाम के 6:42 से रात के 8:58 तक। तो ये लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा की समय अवधि है, इसी समय अवधि में आपको प्रदोष व्रत जो शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है इस बार कर लेना चाहिए। अब शनि प्रदोष व्रत दोस्तों क्यों करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए, देखिए जैसा मैंने बताया कि अगर शनि की साढ़े साती, ढैया, महादशा से पीड़ित है तब भी आपको शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। भोलेनाथ माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तब आपको प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। और संतान प्राप्ति की अगर ये विशेष इच्छा है तो इस इच्छा से आपको शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। अब आज के दिन जो पूजन सामग्री होगी भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की, वो भी आपको मैं बता दूं यहाँ पर। तो पूजा के लिए धूप दीप रखेंगे, सफेद चंदन रखें, शमी के पत्ते रख लें, फल फूल जो फूल होंगे आज के दिन दोस्तों वो खास तौर पर आपको सफेद फूल भगवान भोलेनाथ के प्रिय फूल रखने हैं आपको, आपको भस्म रखना है, मिठाइयों में सफेद मिठाई रख लें, धतूरा, बेलपत्र, भांग, ये सब चीजें भगवान को बहुत प्रिय है तो ये जरूर रखें। पंचामृत आज के पूजन में देखिए अभिषेक आपको जरूर करना है, तो पंचामृत से अभिषेक विशेष पूजन है इसलिए आपको करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो शुद्ध जल या गंगा जल से आप अभिषेक किसी भी तीर्थ के जल से अभिषेक कर सकते हैं। अब शनि प्रदोष व्रत की विधि क्या होगी, तो देखिए चैत्र मास का जो ये पहला प्रदोष व्रत है शनि प्रदोष व्रत, आज के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है,
स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। इस दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए सुबह ही आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। आप घर में कर रहे हैं पूजन तो घर में सुबह की पूजा आप कर लें, शाम को मंदिर जाएं तो अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और उसके बाद में विधि विधान से भगवान का पूजन करें। कई लोग देखिए घर में शिवलिंग रखते हैं तो आप शाम का पूजन भी घर में कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के पूजन का जो समय बताया मैंने, सुबह की पूजा अभिषेक तो आप करेंगे ही, भोग लगाएंगे, शाम में विशेष पूजन किया जाता है जो प्रदोष काल का समय होता है। तो प्रदोष काल में आपको एक बार फिर से पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है और उसके बाद में भांग, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद चंदन, जो भी भोग आप लेकर आए हैं उन्हें अर्पित कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। आज के पूजन में भगवान का जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप करते हुए आपको चीजों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। आज के पूजन में आप शिव चालीसा का जरूर पाठ करें, प्रदोष व्रत का, इसके बाद आपको कथा जरूर पढ़नी है या सुननी है। उसके बाद में आपको भगवान शिव, माता गौरी समेत सभी देवी देवताओं की, जैसे कि गणपति की और शिव भगवान की, माता गौरी की आरती जरूर उतारनी है। आज की आरती देखिए, आप जैसे दीपक तो जलाएंगे ही, कपूर से भी भगवान भोलेनाथ की आरती आप जरूर उतारें। तो इस प्रकार से विधि विधान से आपको पूजन करना है। अब शनि प्रदोष के व्रत में जो एक महा उपाय है, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा से शनि प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, देखिए ये जो पूजन है पूरे विधि विधान से आपने संपन्न किया, लेकिन आज के पूजन में आपको ढूंढ करके धतूरे का फल, धतूरा आपको जरूर अर्पित करना है। धतूरा अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा से आप कर रहे हैं यह व्रत, तो आपकी ये इच्छा शीघ्रतम पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप भी अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शनि प्रदोष व्रत, जब भी शनि प्रदोष व्रत पड़ता है आपको जरूर करना चाहिए। देखिए वैसे तो प्रदोष के व्रत में एक समय मीठा भोजन खाने का विधान है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी खा सकते हैं, आप फलाहार भी कर सकते हैं। शनि प्रदोष के व्रत में आप जो भोग अर्पित करेंगे वो सफेद मिठाइयों का भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो आप अर्पित कीजिए। इसके बाद में आप चाहें तो अन्य का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं, चूरमा बनाकर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को ये चीजें बहुत प्रिय है, भोग स्वरूप। तो इस प्रकार से आपको विधि विधान से आज के दिन भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। दोस्तों पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी है। आज के दिन आपको पांच दीपक, भोलेनाथ के निमित्त आपको पांच दीपक जरूर लगाने चाहिए। तो आप सुबह की पूजन में भी पांच मिट्टी के दीपक लेकर अपने घर में अगर पूजन कर रहे हैं घर में, और अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में जरूर लगाएं। शाम के समय तो जरूर कर ही आपको अपने पूजन के बाद में पांच दीपक वहां पर अर्पित करने हैं। तो इस प्रकार से जो भी भक्त शनि प्रदोष का व्रत धारण करता है भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देखिए इस वीडियो में मैंने एक एक कर सभी जानकारियां आपके साथ शेयर कर दी है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से हर व्रत त्योहारों पर किए जाने वाले उपायों, पूजा पाठ, विधि मंत्रों की जानकारियां मिलती रहेंगी। हर हर महादेव, जय माता रानी।